देखिए, इस विषय में तो अगर हम ये कहें कि दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें टोटल हैं और 67 सीटें देकर के दुनिया का लोकतंत्र में इतना बड़ा समर्थन, तो जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी साहब को उस समय जो समर्थन मिला था उससे भी बड़ा समर्थन आज हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली के लोगों ने दिया। उन्होंने चुनाव चिन्ह चयन किया झाड़ू, और हमारा जो समाज है, जिसको हमारा वाल्मीकि ऐसी समाज हम कहते हैं, वो झाड़ू से रोजाना काम करता है, उसका रोजी रोटी है। और उनको लगा कि कोई आदमी ऐसा आया समाज में जिसने झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया है, तो पूरा शेड्यूल कास्ट का वोट और ऑटो चलाने वाले, जो हमारे ऑटो रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, उनका वोट, गरीब समाज का पूरा वोट एकजुट होकर के अरविंद केजरीवाल को जब पड़ा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि 70 में से 67 सीटें विधानसभा की वो जीतने में कामयाब हुए। अब उनके पास एक मौका आया था कि वो गरीबों को अभी समय पर कुछ देने का समय आया कि राज्यसभा की 3 सीटें दिल्ली के अंदर उनको मिली। जी, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा माननीय काशीराम जी का, स्वर्गीय काशीराम जी का। माननीय काशीराम जी ने जब उनको राज्यसभा में भेजने का लोगों का नंबर आया, तो उन्होंने अपने उन लोगों को जो ऑफिस में दिन रात टेलीफोन उठाते थे, जो लोग वहाँ पर दफ्तर की मेंटेनेंस करते थे, जिन लोगों ने पार्टी को बनाने में दिन रात मेहनत की, ऐसे गरीब तबके के लोगों को राज्यसभा में भेज करके एक नया इतिहास रचा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी वाकई गरीबों की पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी नाम बहुत सुंदर रखा केजरीवाल साहब ने, लेकिन जब 3 राज्यसभा सांसद भेजने का नंबर आया, तो ना तो उन्हें कोई ऑटो रिक्शा वाला नजर आया जिसने उनको वोट दिया, ना कोई उन्हें झाड़ू वाला वोट आया, हमारा वाल्मीकि समाज ऐसी समाज जिसने उनको वोट दिया, ना ऐसी समाज का कोई दूसरा आदमी उनको नजर आया कि जिसने उनको वोट दे करके मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया। 67 सीटें जिस विधानसभा की 67 सीटों के आधार पर आज 3 राज्यसभा के सांसद उन्होंने बनाए हैं, जी, तो जिन लोगों ने उनको वोट दी वो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उनको दो आदमी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हर चीज़ जाति के आधार पर तय होती है, तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी वैसे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हरियाणा से आते हैं और वैसे समाज से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने अपनी ही बिरादरी के यानी वैसे समाज के दो गुप्ता समाज के लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भेजना उचित समझा, और एक संजय सिंह जी जो कि सामान्य जाति से आते हैं उनको उन्होंने राज्यसभा में भेजा। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि जिन लोगों ने 67 सीटों जैसा भारी बहुमत माननीय केजरीवाल साहब को दिया, तो उनको इस समय पर जब उनको सम्मान देने की बात आई, तो उनको कोई आदमी दिखाई नहीं दिया जिन्होंने 67 सीटें दे करके दुनिया के लोकतंत्र में सबसे बड़ा बहुमत केजरीवाल साहब को दिया, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साहब, मैं तो ये कहूंगा कि यहां अगर आप आम आदमी की बात करते हैं, तो आम आदमी जो गुप्ता बनाए गए हैं वो दोनों आम आदमी नहीं है, वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं। जी, संजय सिंह साहब आम आदमी नहीं है। आम आदमी तो कौन था? एक ऑटो रिक्शा वाले को वो पकड़ते, गरीब ऑटो रिक्शा वाले को लेते और राज्यसभा में भेजते, तो मुझे लगता है कि बड़ा सम्मान उनका होता देश में। वो एक हमारे वाल्मीकि समाज के जो आदमी आज झाड़ू की सफाई कर रहा है, जो उनका चुनाव चिन्ह, उनमें से एक आदमी को अगर वो लेते और उसको राज्यसभा में भेजते, तो आज उनका जो जो कहते हैं लगता कि वो वही करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी जाति विशेष के बनिया समाज के दो लोगों को, गुप्ता समाज के लोगों को ही राज्यसभा में भेजा, और एक जो जनरल सामान्य जाति के संजय सिंह साहब उनको भेजा। तो ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने भी ये सिद्ध कर दिया कि जो गरीब समाज का आदमी है, चाहे वो कितना भी विश्वास करके, किसी पर भी विश्वास करके अपना समर्थन उसको देगा, इतिहास इस बात को गवाह बन गया है कि उसके साथ धोखा ही होगा। तो मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने SC ST समाज से, गरीब समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई, आगे भविष्य में आने वाले समय में आप जब भी कोई निर्णय लें, तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि आप इतना धोखा खा चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब और आगे धोखा खाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।